हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वहीं बात करें तो टाटा आईपीएल 2023 का 32वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच डबल हेडर वाले दिन संडे को पहला मुकाबला 3:30 बजे यानी कि 3:30 PM पर दोनों ही टीमों की भिड़ंत 23 अप्रैल को होने जा रही है। यह मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के होम ग्राउंड एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों ही टीमों की कांटे की टक्कर होने वाला है। तो हाय फ्रेंड्स, बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने हालांकि इस सीजन में अभी तक 6 मुकाबले भी खेल चुके हैं, जिसमें कि 4 मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है, तो वही 2 मुकाबले में हार का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन वही पॉइंट टेबल के स्थान पर तो पहले ही नंबर पर मौजूद है। तो हाय फ्रेंड्स, बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने हालांकि इस सीजन में 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें कि 3 मुकाबले में जीत हासिल कर पाए थे, तो 3 मुकाबले में हार का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन पॉइंट टेबल के स्थान 5वें नंबर पर है। वहीं फ्रेंड्स, बात करने वाले हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, बाद टीम प्लेइंग 11, मैच प्रोडक्शन, कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वही फ्रेंड्स, पहले बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों के बीच हालांकि कुल अब तक 28 मुकाबले में आमना सामना हुआ है, तो 13 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीते हैं, तो 12 मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत हासिल कर पाई है। हालांकि 3 मैच का कोई परिणाम नहीं निकला था, यानी कि कोई रिजल्ट नहीं निकला है 3 मुकाबले में। तो ये फ्रेंड्स, अब बात करें तो पिच रिपोर्ट की, हालांकि इस सीजन में एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर हालांकि काफी रन भी बरसते हैं, हालांकि इस पिच पर बल्लेबाजों का बोल बाला भी रहता है। यहाँ टॉस जीतकर सभी टीमें पहले गेंदबाजी ही करना पसंद करती हैं, क्योंकि इस पिच पर रन चेस करना भी थोड़ा आसान माना जाता है, हालांकि इस पिच पर स्पिनरों के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। वहीं फ्रेंड्स, अब बात करें बॉट टीम प्लेइंग 11 की, हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के डबल हेडर वाले दिन पहला ही मुकाबला शाम 3:30 बजे यानी कि 3:30 PM पर दोनों ही टीमों की कांटे की टक्कर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बात की जाए पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 की, हालांकि तो पहले नंबर पर किंग विराट कोहली बैट्समैन है, तो दूसरे नंबर पर कप्तान फाफ डुप्लेसिस है, हालांकि तीसरे नंबर पर महिपाल रोमरोर हैं, तो चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल हैं, हालांकि ग्लेन मैक्सवेल स्पिनर बॉलर और बैट्समैन भी हैं, तो 5वें नंबर पर शहबाज अहमद ऑल राउंडर हैं, तो 6वें नंबर पर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक हैं, तो हालांकि 7वें नंबर पर वलिंदु हसरंगा है, तो 8वें नंबर पर सुयश प्रभुदेसाई है, तो 9वें नंबर पर हर्षल पटेल है, तो 10वें नंबर पर बैन पार्लेल है, हालांकि 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज मियां भाई, जो कि इस समय अच्छा खासे लेवल और खतरनाक फास्ट बॉलर भी हैं। वही फ्रेंड्स, अब बात की जाए, हालांकि यह है संभावित प्लेइंग 11 राजस्थान और रॉयल्स की। बात करें यशस्वी जायसवाल पहले नंबर पर है, तो है दूसरे नंबर पर जय बटलर है, तो तीसरे नंबर पर कप्तान संजू सैमसन है, हालांकि 4वें नंबर पर देवदत्त पाडिकल है, तो 5वें नंबर पर सिमरन हटमान है, हालांकि 6वें नंबर पर ध्रुव जोरेल है, तो 7वें नंबर पर रवि चंद्र अश्विन है, हालांकि 8वें नंबर पर जैसन होल्डर है, तो 9वें नंबर पर ट्रेंट बोल्ट है, हालांकि 10वें नंबर पर संदीप शर्मा है, तो 11वें नंबर पर युजेंद्र चहल है, हालांकि संजू सैमसन कप्तान और विकेट कीपर यानी कि ऑलराउंडर है। यह फ्रेंड्स दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, जो कि यह मुकाबला 23 अप्रैल संडे को डबल हेडर वाले दिन पहला ही मुकाबला दोनों टीमों के बीच काफी टक्कर की भी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करें मैच प्रोडक्शन की, हालांकि फ्रेंड्स यह मैच इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, हालांकि दोनों ही टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11 है और दोनों ही टीमें इस समय थोड़ा अच्छे खासे फॉर्म में भी चल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वही फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी।